कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जहां ताल तलैया पोखर सूख गए हैं, वहीं रजवाहों नहरों नदियों में पानी ना आने से पशु पक्षी बेहाल हैं। पिछले कई महीनों से तिरवा कन्नौज मार्ग पर स्थित ईशान नदी में पानी ना आने से जलीय जीव जंतु मर रहे हैं, पशु पानी के लिए भटक रहे हैं, वहीं किसानों की फसल पानी के अभाव में सूख कर बर्बाद हो रही है। ईशान नदी में पानी छोड़ने को लेकर सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ पुल पर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर पहुंचे SDM जयकरण को ज्ञापन सौंपा। SDM ने आश्वासन दिया कि सिंचाई विभाग से बात हो गई है, दो दिन में नदी में पानी आ जाएगा। आप देखें, ये ईशान नदी है जिसमें ये 3 माह से सूखी चल रही है। नदी सूखी, हजारों जली जीव जंतु मर गए। इसके पास झाड़ियों में इधर उधर जो पशु पक्षी रहते थे सब इस गर्मी में पानी के अभाव में मर गए। सरकार जागी नहीं, सरकार नहीं जागी। सरकार को जगाने के लिए किसान बेहाल हैं। उन्हें फसलों के लिए पानी नदी से मिलता था, लेकिन ना सरकार ने पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया, ना किसानों की तरफ ध्यान दिया। सरकार से मांग कर रहे हैं, बचा लो पर्यावरण को, बचा लो जीव जंतुओं को, बचा लो किसानों को। उनकी मांग लेकर बैठे हैं। जब तक इस नदी में पानी नहीं आएगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, या सरकार का कोई नुमाइंदा आए और हमें आश्वासन दे कि 4 दिन में पानी आ जाएगा तभी हम लोग हटेंगे, वरना हमारा रोज धरना प्रदर्शन यही होगा। अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, हर चोर चुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।